गजाननं भो ते गणा रघुपति प्रियदूतं
स्वात्जातं नमः। हरे
घृतं वा कायं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा परारं विहितविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय 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 करुणावधे श्री महादेव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयाजदिन्दे भवं भवानी सहितं नमः भवानी सहितं नमः ठाकुर हमर रमण बिहारी हम है रमण Yeah.
शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, शारदा माता की जय, श्री दुर्गा माता की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सर्व संत हरि भक्तन की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, आज की आनंद की जय, ओम नमः पार्वती पति हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। नित्यं महिषं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावदंशं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परस्मराधीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममगरे व्याघ्रकृतिं वशानम् विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। नारायण 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 नारायण। चैनल के माध्यम से घर में बैठ करके कथा को श्रवण करते करने वाले समस्त प्रभु प्रेमियों, आप सभी के चरणों में नमन करते हुए और सबको जय श्री कृष्ण। नारद जी महाराज ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मन, आपके श्रीमुख से मंगलकारी अमृतमय शिव कथा श्रवण करके मुझे उनके विषय में जानने की लालसा उत्पन्न हुई, अतः आप मुझे बताइए कि शिव क्या है। सदाशिव भगवान का विवाह और गृहस्थ आश्रम कैसे हो गए? भगवान शिव के मन में विवाह करने का विचार कैसे आया? क्योंकि वो तो योगी है। पहले वो दक्ष कन्या थी, फिर वो पार्वती कैसे हुए? किस प्रकार से भगवान शिव को प्राप्त किया? फिर हिमालय की कन्या कैसी हुई? और फिर सती पार्वती के रूप में भगवान शिव को कैसे प्राप्त किया? पार्वती ने घोर तपस्या की, और भगवान शिव से विवाह किया। भगवान जो कामदेव को भस्म कर देने वाले भगवान शिव के आधे शरीर में वो
किस प्रकार स्थान प्राप्त कर सके। उनका अर्धनागेश्वर रूप क्या है, हे प्रभु आप ही मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। आप ही मेरे शंकाओं का निवारण कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, हे नारद, देवी सती का शुभ यश परम पावन दिव्य और गोपनीय है, उसके रहस्य को वे ही समझते हैं। सर्वप्रथम तुम्हारी प्रार्थना पर मैं सती के चरित्र को बताता हूं। पहले मेरे एक कन्या हुई जिसे देखकर मैं कामातुर हो गया। तब रुद्रदेव ने धर्म का स्मरण कराते हुए मुझे बहुत धिक्कारा। फिर वे अपने निवास कैलाश पर चले गए। उन्हें मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरे सारे प्रयत्न निष्फल हो गए। तब मैंने शिव जी की आराधना की। शिव जी ने मुझे बहुत समझाया, परंतु मैंने हठ नहीं छोड़ा। फिर मैंने रुद्रदेव को मोहित करने के लिए शक्ति का उपयोग किया। मेरे पुत्र दक्ष के यहां सती का जन्म हुआ। वह दक्षसुता उमा नाम से उत्पन्न होकर कठिन तप करके रुद्र की स्त्री हुई। रुद्र भगवान ने गृहस्थ आश्रम में सुखपूर्वक समय व्यतीत किया। उधर शिवजी की माया से दक्ष का घमंड अतिशय बढ़ गया और शिव जी का निंदा करने लगा। दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में दक्ष ने विष्णु को बुलाए, सभी देवी देवताओं को बुलाए, ऋषि मुनियों को निमंत्रण दिया, परंतु भगवान शिव को निमंत्रण नहीं। शिवजी एवं अपनी पुत्री सती को उस यज्ञ में निमंत्रण नहीं दिया। जब इस बात की सती को जानकारी मिली तो उन्होंने शिव के चरणों में वंदन की। महाराज, पिताजी यज्ञ कर रहे हैं और मेरी जाने की इच्छा। भगवान शिव ने कहा, देवी बिन बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए। कहती हैं, मांगत मांगत मान घटे, नित के घर जात और प्रीति।
भगवान शिव ने कहा देवी बिन बुलाए आयोजन में जाने से अपमान होता और अनिष्ट होता है, लेकिन सती जाने के लिए हठ पकड़ कर मुझे जाना। भविष्य को देखते हुए भगवान शिव ने जब सती के हठ को देखे तो भगवान शिव ने आज्ञा दे दी। सती पिता के घर चली गई। वहां यज्ञ में भगवान शिव का भाग न देख करके सती को क्रोध हो गया। और अपने पिता के मुख से पति की निंदा श्रवण करके क्रोध आया और भगवान महादेव की निंदा को सहन न कर सके और उन्होंने यज्ञ कुंड में अपने शरीर का परित्याग किया। यह समाचार जब भगवान शिव को प्राप्त हुआ तो भगवान शिव ने अपने एक जटा को उखाड़े और पृथ्वी पर पटक और पृथ्वी पर पटक करके वीरभद्र नाम का अपने गण को उत्पन्न किया और भगवान शिव के आदेश से वीरभद्र यज्ञ मंडप में जाकर के और उन्होंने यज्ञ का विध्वंस किया। दक्ष का सिर काट दिया। शिव ने दक्ष को देवताओं के प्रार्थना पर पुनः जीवित कर दिए। यज्ञ को देवताओं ने पूर्ण कराया। भगवान सती के मृत शरीर को अपने कंधे पर रख करके और भागते हुए जा रहे हैं तो सती के शरीर से जो ज्वाला गिरा वही ज्वालामुखी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज भी भगवती पराम्मा आदि शक्ति की उस ज्वाला का ज्योति ज्वालामुखी में प्रज्वलित है। वही सती दूसरे जन्म में हिमालय के घर में पुत्री रूप में प्रकट हुई जिनका नाम पार्वती पर्वत। कठोर तपस्या के द्वारा भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। श्रुति जी ने ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी के इस वचन को श्रवण करके नारद जी पुनः पूछने लगे, हे ब्रह्मन, आपने भगवान शंकर के परम पवित्र दिव्य चरित्र को आपने सुनाया लेकिन तृप्ति नहीं, नहीं, नहीं। इसलिए मैं पुनः इस चरित्र को श्रवण करना चाहता हूं और इस चरित्र को आप विस्तार से श्रवण कराएं। सती की उत्पत्ति कैसे, भगवान शिव का
मन विवाह के लिए कैसे प्रेरित किया गया। अब भगवान शिव विवाह के लिए कैसे तैयार हुए, कैसे दक्ष से नाराज होकर के सती अपनी देह को कैसे त्याग दिया और फिर कैसे हिमालय के पुत्री के रूप में सती प्रकट हुई, ये सब विस्तार से हमें श्रवण कराए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, पहले भगवान शिव निर्गुण निर्विकार और निर्कल्प और दिव्य थे, परंतु देवी उमा के उमा से विवाह करने के बाद वे सगुण और शक्तिमान हो गए। उनके बाएं अंग से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, दाएं अंग से विष्णु उत्पन्न हुए, तभी से भगवान शिव के तीन रूप हो गए। हम लोगों ने श्रवण किया था, ब्रह्मा विष्णु और महेश, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु और संहारकर्ता भगवान रुद्र के रूप में विख्यात हुए। उनकी आराधना करते सुरासुर सहित मनुष्य आदि जीवों की रचना करने लगा। मैंने सभी जातियों का निर्माण किया, मैंने ही आदि जीवों की रचना करने लगा, मैंने मरीचि अत्रि पुलह पुलस्त अंगिरा क्रतु वशिष्ठ नारद दक्ष और भृगु की उत्पत्ति की, और ये मेरे मानस पुत्र हुए। उसके बाद मैंने मन से माया का मोह उत्पन्न किया, और हृदय से अत्यंत मनोहारी एक सुंदर सी नारी प्रकट हुई, जिसका सौंदर्य अतिशय दिव्य, जिसका नाम थी संध्या। ओ संध्या, वह दिन में क्षीण होती और वो सुंदरी रूप वाली जो दिव्य सौंदर्य के स्वामिनी थी, उसके रूप को देख करके समस्त मुनिजन मोहित हो गए और उसकी मदमस्त चाल को देख करके मोहित हो गए। मेरे मन से एक पुरुष भी प्रकट हुआ, जो दिव्य रूपवान, विनय पूर्वक उसने सिर को झुकाकर सामने से ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, मेरी स्तुति की,
हे नारद। उसने प्रार्थना की, महाराज मेरे युग में जो कार्य हो आप मुझे बताओ और आज्ञा दीजिए। ब्रह्मा जी ने उसका नाम काम रखा, तुम्हारा नाम काम है। तुम्हारे पुष्पमय बाण होगा जो सृष्टि में समस्त प्राणियों के मन को भेद करके मदमस्त कर देंगे। आज से तुम पुष्प बाण के नाम से जाने जाओ। कामदेव के पांच नाम हैं। पहला है मनमत, दूसरा है काम, तीसरा है मदन चौथा है कंदर्प और पांचवा नाम है मनम। इसकी पांच बाण है। हर्षण, रोम, मोहन, शोषण और मारण, ये कामदेव के पांच बाण है। कामदेव को ब्रह्मा जी ने पांचों बाण दिए। उस स्थान पर बहुत से देवता लोग उपस्थित थे, संध्या भी वही थी। कामने को जब बाण प्राप्त हो गया तो कामने अपने बाणों का एक बाण का प्रयोग किया और उस बाण से क्योंकि संध्या भी वही उपस्थित थी और उस बाण से जितने भी वहां उपस्थित ऋषिगण थे सब के मन विचलित हो गया। काम से ब्रह्मा जी का भी मन विचलित हो गया। तब भगवान शिव ने आकर के और ब्रह्मा जी से कहा, कि ब्रह्मन आपने ही संध्या को उत्पन्न किए, ये आपकी पुत्री है। आपकी आशक्ति ये ठीक नहीं, ये सृष्टि के लिए संसार के लिए अभिश्राप बन जाए। और कह करके भगवान भोलेनाथ चले गए। भगवान शिव
नारद जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, इसके पश्चात क्या हुआ, आप मुझे इससे आगे बता दो। ब्रह्मा जी ने कहा, काम का और रति की विवाह हुई, जो दक्ष की पसीने से उत्पन्न हुई रति, और दक्ष ने रति का विवाह काम से कर दिया। सूत जी कहते हैं, शौनक, इधर संध्या ग्लानि से, पीड़ा से दुखी है, कि मेरा पिता जिसने मुझे जन्म दिया, जिसने मुझे उत्पन्न किए और जो मेरा भाई है, वही मेरे ऊपर कामाशक्त हो गया। मैं अपने इस शरीर को नहीं रखूंगी, त्याग दूंगी। ये पाप अब मुझसे सहन नहीं है। तब संध्या वहां से जा करके चली गई। और जा करके तप करने भगवान शिव का उसने आराधना, पंचाक्षर मंत्र का जप करने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि आप चंद्रभाग पर्वत पर चले जाओ, अब वहां संध्या को समझो। महर्षि वशिष्ठ चंद्रभाग पर्वत पर जाकर के देखा तो देव सरोवर के किनारे एक कन्या अति सुंदर बैठी हुई कुछ चिंता मग्न थी। वशिष्ठ जी ने कहा, देवी अगर कोई वस्तु छिपाने के योग्य नहीं है तो तुम मुझे सत्य सत्य बताओ। आप मुझे सब कुछ बता दो। संध्या ने वशिष्ठ जी से कहा, महाराज मेरे रूप पर, मेरे सौंदर्य पर, मेरे पिता जिन्होंने जन्म दिया, मेरा भाई आशक्त हो गए। महाराज जो जन्मदाता पिता है, जिस कन्या के ऊपर उस जन्मदाता पिता का ही कुदृष्टि पड़े, आशक्त हो जाए, तो उस कन्या का जीवित रहने से अच्छा है जो मृत्यु को प्राप्त हो। महाराज यही सोच करके मैं अपने प्राण को त्याग करने के लिए यहां आई। वशिष्ठ जी ने का देवी जो महान उत्कृष्ट है, जो सबके आराध्य है, जो जिसे संसार परमात्मा कहता है, तुम उन भगवान शिव को अपने अंतःकरण में धारण कर लो। और इस पंचाक्षर मंत्र का जप करो। वशिष्ठ जी कह करके वहां से चले गए और संध्या भगवान शिव को अपने अंतःकरण में धारण करके ध्यान करते हुए उस पंचाक्षर मंत्र का जप करो। बड़ी तन्मयता से, भक्ति भाव से जप कर, भगवान आशुतोष निर्लोहित सदाशिव संध्या के भक्ति से प्रसन्न होकर के प्रकट हो। बड़ी शंकर भगवान की प्रकट हो, भगवान शिव ने कहा, देवी मैं तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हूं,